हे गाइस, कैसे हैं आप? सो गाइस, आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, और वो टॉपिक है कि आफ्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या ऑप्शंस हैं आपके पास. व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल फॉर यू आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग. बेसिकली देयर आर टू ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ यू. फर्स्ट इज द हायर स्टडीज एंड सेकेंड इज द एम्प्लॉयमेंट, दैट इज जॉब, वेदर इट बी गवर्नमेंट और प्राइवेट. अब इस वीडियो में हम बात करेंगे जॉब्स की, गवर्नमेंट की भी और प्राइवेट की भी, कि आपके पास गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स के क्या क्या ऑप्शन हैं आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग. हायर स्टडीज की बात हम अगले वीडियो में करेंगे जो इसके बाद आएगा. तो गाइस, स्टे ट्यून विद मी फॉर द एंटायर लेंथ ऑफ द वीडियो टू गेटिंग ऑल द इनसाइट ऑफ इट. माय नेम इज जय, यू वॉचिंग मैक हैक्स एंड लेट्स बिगिन. तो गाइस, जैसे मैंने कहा, आपके पास दो ऑप्शन है, स्टडी का और एम्प्लॉयमेंट का. बहुत लोग आगे की फर्दर स्टडी नहीं करना चाहते हैं. बहुत लोग चाहते हैं कि हम बीटेक के बाद जॉब करने लगे, हमें एक अच्छी जॉब मिल जाए, हमें एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, या हम जॉब के लिए प्रिपरेशन करें. तो बेसिकली आज हम बात करेंगे कि आप किन किन जॉब्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं और कौन से आपके पास ऐसे ऑफर हैं जो आप डायरेक्टली बीटेक के बाद अप्लाई कर सकते हैं. हायर स्टडीज का अपना फायदा है, उसके बारे में हम, जैसा मैंने कहा, बाद में बात करेंगे, अगली वीडियो में बात करेंगे. सो गाइस, लेट्स स्टार्ट. कि सबसे पहला चीज जो आप जानते हैं, दैट इज गेट, दैट इज ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर इंजीनियर. अब गेट से आप एमटेक यानी हायर स्टडीज में भी जा सकते हैं और आप पीएसयू यानी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में भी जा सकते हैं. सिंस आज हम सिर्फ जॉब्स की बात करेंगे, तो हम सिर्फ आज पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की बात करेंगे. पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में आते हैं जितने भी महारत्न और नवरत्न कंपनीज हैं, जैसे कि IOCL, ONGC, HPCL, HAL, ये सब जो हैं जनरली आपके गेट के स्कोर से लेते हैं आपको डायरेक्टली. आप गेट का फॉर्म भरते हैं, आप इनका फॉर्म भरते हैं, गेट का स्कोर कार्ड आता है, उसको आप वहां से लिंक करते हैं और वो आपको इंटरव्यू के लिए बुला लेते हैं. लेकिन ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना आसान है नहीं. सबसे पहली बात, गेट के लिए आपको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ता है, क्योंकि पीएसयू में जो टोटल एक्यूमुलेटिवली सीट्स निकलती है वो लगभग 250 से 300 सीट्स टोटल निकलती है मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए. और एक और बात, गेट में सबसे ज्यादा संख्या के जो इंजीनियर्स होते हैं वो मैकेनिकल ही होते हैं. 3-4 लाख इंजीनियर्स जो होते हैं वो मैकेनिकल से पास होके वो भरते हैं गेट. इतने ज्यादा अमाउंट के लोगों में से आपके पास 250 से 300 सिर्फ सीट्स होती हैं, तो ऑब्वियसली कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा होता है. अब आप लोग ये सोचेंगे कि कितने मार्क्स जनरली चाहिए. देखिए, मैं सेफ साइड की बात करता हूँ, एकदम ब्लैक एंड व्हाइट की बात करता हूँ, कि इसके ऊपर आपके चांसेस पूरे हैं, इसके नीचे आपके चांसेस फेड अवे हो जाते हैं. तो जनरली अगर आप एक जनरल कैटेगरी के इंसान हैं और आप गेट मैकेनिकल इंजीनियरिंग के थ्रू देते हैं और आप ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि आपको गेट से पीएसयू में जाना है, तो आप 85 एंड अबव नंबर लाने पड़ेंगे, तब आपको किसी अच्छी पीएसयू से फोन आएगा. इससे नीचे भी आ सकता है, लेकिन मार्जिन आप सिर्फ 80 का रख के चलिए, क्योंकि दिन दिन कंपटीशन बढ़ रहा है, दिन दिन कोचिंग सेंटर्स बढ़ रहे हैं, दिन दिन लोग जो है बहुत ज्यादा अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं और 85 से ऊपर ले आ ही रहे हैं और सीट सारी भर जा रही हैं. और अगर आप एक SC ST कैटेगरी के भी हैं तो भी आपको 65 से ऊपर नंबर लाने ही पड़ेंगे, तब जाके आपको किसी PSU से फोन आएगा, अगर आप एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं. तो गाइज, गेट के लिए पढ़ाई या तो आप फोर्थ ईयर में ही स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर फोर्थ ईयर में आप नहीं कर पा रहे हैं तो फोर्थ ईयर के बाद एक साल का प्रिपरेशन आप टाइम ले सकते हैं. एक साल का भी प्रिपरेशन टाइम नहीं लगता. आपका फोर्थ ईयर खत्म होते होते जुलाई होता है, पर आपके पास 6 महीने होते हैं, क्योंकि जनवरी में फिर से आपका गेट आ जाता है. तो 6 मंथ्स की एक इंटेंसिव प्रिपरेशन, जिसमें आप दिन के 5 से 6 घंटे सेल्फ स्टडी को दें और अगर आप एक कोचिंग करें, तो आपके गेट निकलने के चांसेस बढ़ जाते हैं. लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है. कंडीशन ये है कि आप तब ही कोचिंग करें या गेट के लिए तभी ऑप्ट करें जब आपके कॉन्सेप्ट, आपके बेसिक्स क्लियर हों. ये नहीं कि आपके कोई भी बेसिक नहीं क्लियर हो और आप गेट की कोचिंग कर लें तो आपका कोई फायदा नहीं होगा. सो गाइज, आपके बेसिक्स क्लियर होने की जरूरत है अगर आपको गेट के लिए पढ़ाई करनी है, गेट के लिए कोचिंग करनी है. तो गाइज, इन नवरत्न या PSUs के अलावा अगर मैं बात करूं तो एयर इंडिया, DRDO, इसरो, ये सब भी गेट के थ्रू लेते हैं. इनके अलग अलग टाइम पर अलग अलग फॉर्म निकलते हैं और जिस साल आपने गेट दिया होता है उस साल की जो मार्कशीट है या जो स्कोर कार्ड है गेट का, वो आप यहाँ पे लगा के
अपनी इंटरव्यू में डायरेक्ट जा सकते हैं। जैसे कि एयर इंडिया डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाता है, अगर आपके गेट में स्कोर 80 से ऊपर है तो, डिपेंड नहीं करता कि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एयर इंडिया की एक रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपके गेट में 80 से ऊपर मार्क्स आए, आप डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए जाते हैं और आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की पोस्ट पा जाते हैं। इसके अलावा अगर दूसरा ऑप्शन की बात करूं तो वो एक ऑप्शन नहीं है, वो एक मतलब एक इंसान जो एक मैकेनिकल इंजीनियर होता है, कोई भी इंजीनियर होता है, उसको ES में जाने का एक सपना होता है, दैट इज इंजीनियरिंग सर्विसेज में जाने का एक सपना होता है। तो इंजीनियरिंग सर्विसेज Tier 1 गैजेटेड ऑफिसर की पोस्ट है। ये किसके इक्विवेलेंट है? आप ये जो सुनते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर IAS, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच में सबसे ऊपर की पोस्ट है, IPS जो कि पुलिस सर्विसेज में सबसे ऊपर की पोस्ट है, उसी तरह इंजीनियरिंग में सबसे ऊपर की पोस्ट होती है IES ऑफिसर की, यानी इंजीनियरिंग सर्विस ऑफिसर की। यहाँ पे आप पावर ग्रिड, रेलवे, ऐसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन के आप डायरेक्ट टॉप ए Tier 1 गैजेटेड ऑफिसर की पोस्ट पे पहुंच जाते हैं, जैसे कि डिविजनल मैकेनिकल इंजीनियर या असिस्टेंट डिविजनल मैकेनिकल इंजीनियर। सो गाइस, इनकी पर्क्स अलग ही होती हैं, IS लेवल के पर्क्स होते हैं, आप समझ पा रहे होंगे कि वो क्या रुतबा और क्या औहदा होता होगा। लेकिन अब सिंस मैंने गेट के लिए कहा कि आपको दिन के 5 से 6 घंटे सेल्फ स्टडी को देने पड़ेंगे, कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए, ES का जो सिलेबस है वो बहुत फास्ट है, आपको और टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, हो सकता है आपको 2 साल तैयारी की जरूरत पड़े, लेकिन आपको डेडिकेशन से काम करना पड़ेगा। देखिए, मैं उन लोगों की नहीं बात कर रहा हूँ जो 1 साल में या 6 महीने में पढ़ के निकाल लेते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो मेरी आपकी तरह है, मैं भी एक एवरेज इंसान हूँ, तो मैं एवरेज इंसान का ही लेके चल रहा हूँ कि अगर आप 2 साल इन्वेस्ट करेंगे और डेडिकेशन से एक अच्छी कोचिंग लेके पढ़ेंगे, सेल्फ स्टडी को टाइम देंगे, तो आप ES निकाल सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं, दैट इज SSC JEE, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एक JEE का एग्जाम होता है, जूनियर इंजीनियर का एग्जाम होता है, जिसमें जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं जैसे कि सेंट्रल वाटर कमीशन या मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, यहाँ पे आपको JEE मैकेनिकल की पोस्ट मिलती है। ये भी बहुत अच्छी जॉब है, इसके लिए भी बहुत लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं और इसमें सीट्स भी थोड़ी एडिक्वेट अमाउंट में होती है। इसके लिए तैयारी आपको अलग से कोई करने की जरूरत नहीं, अगर आपकी गेट की तैयारी कर रहे हैं तो उससे मिलता जुलता सिलेबस होता है SSC JEE का, थोड़ा बहुत मिक्स एंड मैच होता है, सिलेबस के हिसाब से आपको थोड़ा एक्स्ट्रा रिवीजन करने की जरूरत पड़ती है, और आप अगर गेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें एडिशनल थोड़ा टाइम देके आप JEE की तैयारी भी कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी मेट्रो होते हैं, मेट्रो कॉर्पोरेशन होते हैं, जैसे कि दिल्ली मेट्रो, लखनऊ मेट्रो, नोएडा मेट्रो, कोची मेट्रो, जयपुर मेट्रो और जहां जहां मेट्रो बन रहे हैं, वो भी JEE मैकेनिकल की पोस्ट निकालते हैं, आप उनका एग्जाम्स भी दे सकते हैं अगर आप गेट के लिए या ES के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। जैसा मैंने कहा, थोड़ा मिक्स एंड मैच सिलेबस होता है, आप उसको देख के अपने हिसाब से रिविजन कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी आपके बहुत सारे इंडिविजुअल बॉडीज होते हैं, जैसे कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, इसके अलावा एक शिप बिल्डिंग कॉर्पोरेशन है, दैट इज गार्डन रीच शिप बिल्डिंग कॉर्पोरेशन, जो कि कोलकाता में है, ये भी आपको इंजीनियरिंग की पोस्ट देते हैं मैकेनिकल इंजीनियर की, तो आप इनके फॉर्म टाइम टू टाइम भर सकते हैं। इसके अलावा एक आपके पास ऑप्शन है डिफेंस। अब डिफेंस में आप तीनों में जा सकते हैं, नेवी में भी, आप आर्मी में भी जा सकते हैं और आप एयरफोर्स में भी जा सकते हैं। डिफेंस में एज ऑफिसर बनने के लिए आपको SSB देना पड़ता है, तो आप नेवी और आर्मी के लिए आपकी TGS की कोर्सेस निकलती है, दैट इज टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स। अगर आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, मैं कहूँगा सेफ साइड लेके चलिए, अगर 75% से ऊपर है तो आप इन TGS कोर्स को भरिए, इनके फॉर्म्स को भरिए, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी के, ये डायरेक्टली आपको SSB के लिए बुलाएंगे, और अगर आपका SSB में सिलेक्शन हो गया तो आप एक इंडियन नेवी या इंडियन आर्मी के ऑफिसर बन जाएंगे। इसके बाद आपके एक ऑप्शन होती है, दैट इज एयरफोर्स में जाने की। एयरफोर्स ऐसा कोई डायरेक्ट एंट्री नहीं करवाता TGS की, हाँ, पर वो एक एग्जाम कराता है जिसको कहते हैं FCAT, दैट इज एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, इसके थ्रू भी आप डायरेक्टली
एयरफोर्स ऑफिसर बन सकते हैं। यहाँ पे आपको एग्जाम देना होता है और एक टेक्निकल एग्जाम साथ में होता है। बेसिकली इसमें दो पेपर होते हैं, जनरल पेपर होता है, टेक्निकल पेपर होता है। मैकेनिकल की इसमें पोस्ट होती है सेम, आप जाएंगे एसएसबी होगा 5-6 दिनों का, उसके बाद मेडिकल होगा। अगर आप सेलेक्ट हो गए तो आप एक पर्टिकुलर अमाउंट, एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग के बाद जो कि एयरफोर्स अकेडमी में होती है, वहां के बाद आप डायरेक्ट फ्लाइंग ऑफिसर की पोस्ट पे चले जाएंगे। तो डिफेंस में जाने के ये आपके पास तरीके हैं, आर्मी और नेवी में जाने का आपके पास डायरेक्ट तरीका है, दैट इज टीजीएस टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स, और एयरफोर्स में जाने का एक तरीका है दैट इज एफकैट, जो एक एग्जाम होता है, रिटन एग्जाम होता है, उसके बाद आप एसएसबी में जाते हैं। तो ये दोनों एक ही तरह है। तो आई होप आप इन दोनों बातों को समझ पाए होंगे। सो गाइस, इसके अलावा ये बात पे भी डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट में हैं, क्योंकि हर एक स्टेट गवर्नमेंट में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए अलग अलग पोस्ट निकालती है, क्योंकि हर एक स्टेट गवर्नमेंट का एक पीसीएस होता है और एक एसएससी होता है, दैट इज पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, और इसके अलावा जो होता है वो होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो ये एसएससी और यूपीएससी, ये तो मैंने सेंट्रल की बात करी, बट हर एक स्टेट का अपना खुद का एक स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता है और एक पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। तो बेसिकली इनके भी आप अपने फॉर्म भर सकते हैं। आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप जिस स्टेट के डोमिसाइल है, आप उस स्टेट के भी फॉर्म भर सकते हैं। अलग अलग स्टेट डिपार्टमेंट, अलग अलग स्टेट ऑर्गेनाइजेशन के गवर्नमेंट के फॉर्म्स आते हैं, तो आप बस ये देखते रहिए कि कब कब वो फॉर्म आए हैं, उनकी क्या एलिजिबिलिटी है, और अगर आप उस स्टेट के डोमिसाइल हैं तो आप वहाँ का फॉर्म भर सकते हैं। तो गाइज, ये तो बात हो गई एक्यूमुलेटिवली कि गवर्नमेंट सर्विसेज क्या है। इसके अलावा बात करते हैं प्राइवेट सर्विसेज। जैसा मैंने आपको बताया कि इन सब गवर्नमेंट सर्विसेज में के लिए आपको प्रिपेयर होने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जितना भी आपको कॉलेज में सिखाया जाता है वो मेरे ख्याल से पूरी तरह एनफ नहीं होता इन गवर्नमेंट एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए, या एक अच्छे लेवल जैसे गेट में 85 से ऊपर जाने के लिए। आप जितना अपने कॉलेज में पढ़े होंगे उतना एडिक्वेट नहीं होगा। आप क्वालिफाई कर सकते हैं, आप 50 नंबर ला सकते हैं, 60 नंबर ला सकते हैं, लेकिन शायद आप 85 प्लस नहीं ला सकते। उसके लिए आपको एडिशनल कोचिंग, एडिशनल गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। अब कोचिंग गाइडेंस कहाँ मिलेगी, इसके बारे में तो पूरा यूट्यूब भरा हुआ है, पूरा गूगल भरा हुआ है, आप उसको जाके देख सकते हैं कि कौन से अच्छे इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आप इन चीजों के लिए तैयारी कर सकते हैं। एक छोटी सी बात मैं बता दूंगा, आप तैयारी तभी करें, देखिए सबसे पहले खुद को जानने की जरूरत होती है, क्या मैं केपेबल हूँ अपने टाइम को इतना इन्वेस्ट करने के लिए, क्या मेरी मेंटल स्टेबिलिटी, या मैं बात करूँ कि मेरी मेंटल स्ट्रेंथ उतनी है कि मैं अपने ज़िंदगी के 1 से 2 साल इन्वेस्ट कर सकूँ प्रिपरेशन में, दिन के 5 से 6 घंटे इन्वेस्ट कर सकूँ एक इंटेंसिव पढ़ाई में। अगर आपको लगता है कि येस यू कैन डू इट, थम्स अप, यू हैव टू, यू शुड। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं प्राइवेट में जाना चाहता हूँ, प्राइवेट और गवर्नमेंट में बस अंतर ये है कि स्ट्रगल दोनों जगह है। प्राइवेट में पहले के 2 से 3 साल स्ट्रगल है, जिसमें आपको शायद 2 वेजेस मिले, ये मैं बात कर रहा हूँ एवरेज कॉलेज की, ये मैं बहुत हाई लेवल के कॉलेज की नहीं बात कह रहा हूँ। मैं भी एक एवरेज कॉलेज से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे पता है कि कितना पैकेज मिलता है और किस तरह आप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक लो वेज से स्टार्ट करते हैं, और आप अगर कोर कंपनी में स्टार्ट करते हैं मैन्युफैक्चरिंग, डिज़ाइन या थर्मल में, और आप 2-3 साल के स्ट्रगल के बाद एक अच्छी पोजीशन पे और एक अच्छे सैलरी बार पे पहुंच सकते हैं। गवर्नमेंट में भी स्ट्रगल है, देखिए ऐसी बात नहीं कि गवर्नमेंट की जॉब में स्ट्रगल नहीं है, लेकिन स्ट्रगल थोड़ा अलग है। प्राइवेट जॉब में क्या होता है, जो स्ट्रगल है वो ज्वाइन करने के 1-2 साल तक होता है, और गवर्नमेंट में ज्वाइन करने से पहले 1-2 साल तक होता है। यहाँ भी आपको पढ़ाई की प्रिपरेशन के लिए स्ट्रगल करना है, और वहाँ पे जॉब में स्ट्रगल करना है। तो गाइस, स्ट्रगल दोनों जगह है, स्ट्रगल किसी का कम नहीं है, आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कौन सा स्ट्रगल करना है। सो गाइस, अगर प्राइवेट जॉब की बात करूँ, तो अगर आप एक एवरेज या अबव एवरेज कॉलेज से बिलोंग करते हैं, तो आपके वहाँ पे प्लेसमेंट्स होते हैं, दैट इज कैंपस प्लेसमेंट। अब अगर आप कोई भी प्लेसमेंट में बैठ जाएंगे, लेट सपोज कि आप एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं, लेकिन एक आईटी बेस्ड कंपनी में अगर आप चले जाते हैं, तो फिर आप उस कोर कंपनी में कभी वापस नहीं आ पाएंगे जिसकी पढ़ाई आपने की है। लेकिन अगर आपके कॉलेज में कुछ ऑटोमोबाइल से रिलेटेड कंपनीज आती हैं, या कोई ऑटोमोबाइल एंसिलरी यूनिट की कंपनीज आती हैं, या एयर कंडीशन की कंपनी आती है, या ट्रैक्टर्स की कंपनी आती है, तो आप वहाँ पे जा सकते हैं, वो आपको कोर मैकेनिकल की जॉब देंगे।
ऑब्वियस सी बात है कि जैसे मैंने कहा, पैसे कम होंगे, स्ट्रगल होगा, लेकिन कुछ सालों बाद आप एक अच्छे सैलरी बार पे पहुंच जाए। दूसरा, ये तो ऑन कैंपस वाली बात होगी, दूसरा जो है वो ऑफ कैंपस की बात होती है। जैसे कि आप बहुत से वेबसाइट्स जानते हैं जहां पे आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं और वो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं और आप वहां जाके इंटरव्यू दे सकते हैं। बेसिकली आपको इंटरव्यू क्रैक करने के लिए आपके अंदर कौन कौन से स्किल्स होने चाहिए उसके बारे में मैंने वीडियो बना दिया है, आप जाके उसको देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा कि आपके अंदर कौन कौन से स्किल्स, कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए एज ए इंजीनियर, ताकि आप अपनी करियर को अच्छा बना सकें अगर आप एक प्राइवेट कंपनी में जा रहे हैं, अगर आप एक इंटरव्यू देने जा रहे हैं। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, आई हाईली रिकमेंड दैट वीडियो टू यू पीपल। तो आप किस किस सेक्टर में जनरली आप जा सकते हैं अगर आप एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं और आप एक कोर कंपनी में जा रहे हैं? ऑटोमोबाइल सेक्टर में जा सकते हैं आप, वर्कशॉप सेक्टर में जा सकते हैं आप, क्वालिटी मेंटेनेंस में जा सकते हैं आप, असेंबली यूनिट्स में जा सकते हैं आप, डिजाइन फील्ड में जा सकते हैं, ऐसे बहुत से ऐसे फील्ड हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं। आप थर्मल इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, आप कोई रिसर्च फील्ड में जा सकते हैं जहाँ कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो रिसर्च का काम करती है और वहाँ पे जा सकते हैं। तो बहुत से ऐसे जगह हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं। जनरली आपको जो देखने को मिलता है, या तो आप डिज़ाइन फील्ड में जाते हैं, सबसे पहला जो आपको काम मिलता है या तो आप डिज़ाइन फील्ड में जाते हैं या तो आप क्वालिटी चेक में जाते हैं। तो बेसिकली यही दोनों काम होता है, या तो आप इन्वेंट्री कंट्रोल में जाते हैं। तो जब आप एक लाइट काम करते हैं और आप इंडस्ट्री को पूरी तरह जानते हैं, उसके बाद आपको इंटेंस जॉब में दिया जाता है, या उसके बाद आप एलिजिबल होते हैं इंटेंस जॉब में काम करने के लिए। जैसे कि आप एक प्रोडक्शन मैनेजर बन सकते हैं असेंबली लाइन में, या असेंबली प्लांट में, या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में। ये तो थोड़े बाद की, एक दो साल बाद की बात है। सबसे पहले आपको डिजाइन इंजीनियर, या तो आपको क्वालिटी चेक, या तो आपको इन्वेंट्री कंट्रोल, या आपको असिस्टेंट प्रोडक्शन इंजीनियर की पोस्ट मिलती है, जिसमें आप सबसे पहले ट्रेनिंग होते हैं, काम सीखते हैं 6-7 महीने एक साल, उसके बाद आप वहां पे प्रोडक्शन मैनेजर बनते हैं। सो गाइस, आई होप कि आपको गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब दोनों के बारे में समझ में आया होगा कि आफ्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग आप किस फील्ड में जा सकते हैं, कहां ऑप्ट कर सकते हैं। समराइज अगर मैं बात को करूं तो, अगर आपके बेस क्लियर है, फंडामेंटल्स क्लियर है और आप चाहते हैं कि आप एक दो साल इन्वेस्ट करें, आपको फर्क नहीं पड़ता कोई क्या कहे, इससे मैटर नहीं करता। देखिए, सबसे पहले तो ये मैटर नहीं करता कि कौन क्या कह रहा है, आपको अपनी बात सुननी चाहिए, आपको अपनी कैपेबिलिटी जाननी चाहिए। तो अगर आप ये तीनों चीज़ें कर सकते हैं, दैट इज़ आपकी बेस क्लियर है, फंडामेंटल क्लियर है और आप अपना अच्छा खासा 1-2 साल टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आप गेट, ईएस और अदर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में आप चले जाइए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी बेस पूरी तरह क्लियर नहीं है, लेकिन आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं और आपको कोई क्रिएटिव काम करना है और आपको प्राइवेट वर्ल्ड में अच्छा करना है, तो आप प्राइवेट वर्ल्ड में जा सकते हैं। आप ऑन कैंपस, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट ले सकते हैं। जैसा मैंने कहा, स्ट्रगल हर जगह है, स्ट्रगल कहीं ऐसा नहीं, ये मत समझिए कि गवर्नमेंट जॉब में स्ट्रगल कम है और प्राइवेट जॉब में स्ट्रगल ज़्यादा है। सबके अपने अपने स्ट्रगल हैं। क्वांटिफाई अगर करें तो स्ट्रगल दोनों जगह सेम है। गवर्नमेंट जॉब मिलने से पहले स्ट्रगल है और प्राइवेट जॉब मिलने के 1-2 साल 3 साल तक स्ट्रगल है। तो दोनों में स्ट्रगल क्वांटिफाइबल है। किसी का स्ट्रगल ज़्यादा या किसी का स्ट्रगल कम नहीं है, डिपेंड करता है कि आपको क्या पसंद है। अगर आप एक प्राइवेट जॉब करते हैं और अगर आपको पसंद है तो आपके लिए स्ट्रगल नहीं होगा, लेकिन अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब करते हैं और वो आपके लिए पसंद नहीं आ रहा तो आपके लिए स्ट्रगल होगा। सो गाइस, इट्स कम्प्लीटली डिपेंड ऑन योर ओपिनियन। आप बिल्कुल बता सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं। प्लीज़ राइट इट डाउन द कमेंट, व्हाट आर योर थॉट्स, एंड कोई ऐसी बात जो मुझसे मिस हो गई हो, जो आने वाले वीडियोस में, आने वाली सब्सिक्वेंट वीडियोस में मैं डाल सकूं, तो प्लीज़ राइट इट डाउन द कमेंट। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप। इफ यू लाइक द चैनल, कंसिडर सब्सक्राइबिंग, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, दिस इज जय फ्रॉम मैक हैक्स, ओवर एंड आउट। होप यू ऑल हैव अ ग्रेट डे।